हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम वंस अगेन टू स्पोर्ट्स महाबल। आज जो हम मैच कवर करने जा रहे हैं वो है मैच बिटवीन मैनचेस्टर सिटी एंड वुल्स, जो कि मैनचेस्टर सिटी के होम ग्राउंड एटिहाद स्टेडियम पर खेला जाएगा। पॉइंट्स टेबल में देखें तो मैनचेस्टर सिटी आर द रनअवे लीडर्स इन दिस ईयर्स प्रीमियर लीग। वो अभी 20 मैचेस की अनबीटन स्ट्रीक पे हैं, जिसमें से 14 मैचेस लीग में रहे हैं, एंड दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू कैच इन दिस सीज़न। दूसरी ओर देखें तो वुल्व्स इज़ राइट ऑन द 12th पोजीशन, उस पोजीशन में नहीं है जहां वो जनरली अपने आप को देखना चाहेंगे। परफॉर्मेंसेस काफ़ी डिप किए उनके, क्योंकि लास्ट ईयर के स्क्वाड में से राहुल हिमेनेस, डिएगो जोता और मैट डॉहर्टी, ये दोनों प्लेयर्स जो हैं वो इनकी टीम से दूसरी टीम्स को ट्रांसफ़र हुए हैं। हाउएवर लास्ट 5 मैचेस में इनकी फॉर्म इम्प्रूव हुई है, 3 विक्ट्रीज इनके रहे हैं और 2 ड्रॉज इन्होंने किए हैं, तो लास्ट 5 मैचेस में कोई मैच इन्होंने हारा नहीं है। बहुत ज़्यादा गोल्स करते नहीं हैं लेकिन बहुत ज़्यादा गोल्स कंसीड भी नहीं करते हैं, तो सिटी के लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक टीम हो सकती है। However, having said that, इस मैच में फेवरेट्स मैनचेस्टर सिटी ही रहेंगे। सो इट्स लाइक एक बहुत अच्छी अटैकिंग टीम है और काफ़ी स्ट्रांग उनका डिफेंस भी है। जो मैनचेस्टर सिटी है उनके सामने एक ऐसी टीम आ रही है जो बहुत ज़्यादा गोल ना करती है ना बहुत ज़्यादा गोल कंसीड भी करती है। सो एक केजी अफेयर हो सकता है, टाइट मैच हो सकता है, बट सिटी फेवरेट्स हैं, सिटी कैन विन दिस मे बी 1-0, 2-0 और 2-1। तो फ्रेंड्स, गोलकीपर के लिए हमने सेलेक्ट किया है वुल्व्स के गोलकीपर रुई पेट्रिसियो को। क्लीन शीट के चांसेस काफ़ी कम हैं लेकिन सेव्स के पॉइंट्स काफ़ी कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिटी की तरफ से काफ़ी शॉट्स ऑन टारगेट हमें देखने को मिलेंगे उनके होम मैच में। मूविंग ऑन टू डिफेंडर्स में वी आर गोइंग फॉर ऑल 4 सिटी डिफेंडर्स। काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि क्लीन शीट रखें, क्योंकि वुल्व्स कोई बहुत स्कोर नहीं करते हैं ज़्यादा, और सिटी के जो डिफेंडर्स हैं उनके अटैकिंग रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। जैसे हमने लास्ट मैच में देखा कि उनके दोनों सेंट्रल डिफेंडर्स जो कि हैं जॉन स्टोन्स और रूबन डायस, दोनों ने गोल स्कोर किए, तो इनके डिफेंडर्स का भी जनरली अटैकिंग रिटर्न्स भी अच्छे रहते हैं इन केस दे गेट क्लीन शीट, सो दैट्स एडेड पॉइंट्स। आप चाहें तो यू कैन पिक 1 डिफेंडर फ्रॉम वुल्व्स एज वेल इफ यू फील वुल्व्स विल बी एबल टू डू क्वाइट वेल एंड दे माइट ऑल्सो बी एबल टू स्कोर, एंड इफ नोबडी इज एबल टू कीप अ क्लीन शीट तो आप वुल्व्स के भी डिफेंडर्स को पिक कर सकते हैं। मूविंग टू मिडफील्ड, वुल्व्स की तरफ से स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे हैं इस साल रूबन नेवेस, तो ही शुड बी पार्ट ऑफ योर टीम। 5 गोल्स और 5 असिस्ट कर चुके हैं। उसके अलावा सिटी की तरफ से केविन डे ब्रॉयन, ऑटोमेटिकली अगर आप ड्रीम 11 की टीम पिक करते हैं सो ही हैज हिज प्लेस। अगर आपको लगता है कि गुंडोगन स्टार्ट करेंगे तो उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है इस सीज़न, तो उनको आप अपनी टीम में रख सकते हैं। आई हैव पर्सनली गॉन फॉर फिल फोर्डन, लास्ट कुछ मैचेस में उनके अटैकिंग रिटर्न्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, बट इक्वल इम्पॉर्टेंस है इल्काय गुंडोगन की। आई कुड हैव पिक्ड ओनली 1 ऑफ देम, तो मैंने उनको फिल फोर्डन को पिक किया है इस मैच के लिए। यू कैन ऑलवेज गो फॉर गुंडोगन ऑल्सो। वुल्व्स की तरफ से आई हैव ऑल्सो पिक्ड एडमा ट्रायोरे, जिनका मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छे रहे हैं पास्ट में, तो वो थोड़ा सा ट्रबल कर सकते हैं सिटी के डिफेंस को। इफ़ यू फील, जैसे हमने बताया कि केजी अफेयर रह सकता है, तो वुल्व्स के पास
काफ़ी अगर पोजेशन रहेगा तो जोआओ मार्टिन्हो के पॉइंट्स अक्यूमुलेट होने के काफ़ी चांसेस हैं, सो यू कैन ऑल्सो हैव जोआओ मार्टिन्हो इन योर टीम। मूविंग फॉरवर्ड टू द अटैकर्स फॉरवर्ड लाइन में वी पिक्ड पेड्रो नेटो फ्रॉम वुल्व्स एंड रहीम स्टर्लिंग फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। यू कैन ऑल्सो लुक एट रियाद महरेज और गैब्रियल हेसूस फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। देखिए सिटी की तरफ से उनका स्टार्टिंग 11 प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि पेप गार्डियोला अपनी टीम को काफ़ी रोटेट करते हैं। सो एज एंड व्हेन द लाइनअप्स आर अनाउंस्ड वी विल ऑल्सो बी बैक विद आवर फाइनल ड्रीम 11 टीम। वो टीम भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। अभी की टीम के हिसाब से हमने केविन डी ब्रुइने को अपना कैप्टन और जो कैंसेलो जो कि काफ़ी अच्छे अटैकिंग रिटर्न भी दे सकते हैं उनको अपना वाइस कैप्टन रखा है। यू कैन ऑल्सो लुक एट रूबन नेवेस एज अ वाइस कैप्टनिंग ऑप्शन अगर आपको लगता है कि वुल्व्स इस मैच में अच्छा कर पाएंगे। फ्रेंड्स आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अपार्ट फ्रॉम प्रीमियर लीग हम यूरोप के सभी लीग्स की ड्रीम 11 टीम्स के बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फॉर टुनाइट्स मैच एंड वी होप यू डू रियली वेल। थैंक यू।